हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डू स्टैक। नाउ व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होता है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा को कैसे स्टोर करते हो, आप सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो। सिक्वेंशियल फॉर्म में कैसे होता है? आप एक सिक्वेंस में डेटा को स्टोर कर रहे हो, जैसे आपका ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, देन आपका ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, देन आपका थर्ड एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आप एक सिक्वेंस में डेटा को स्टोर कर रहे हो, राइट? तो स्टैक आपका क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है? सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। फाइन, एक के बाद एक डेटा स्टोर होता है। ओके, स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? स्टैक को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है? एक हमारी लिस्ट है जिसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को स्टोर किया है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एलिमेंट को इंसर्ट भी क्या करोगे, टॉप से करोगे, और आप एलिमेंट को डिलीट भी किस कहाँ से करोगे, टॉप से करोगे, राइट? कॉल द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, अगेन देखो, स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। स्टैक इज लाइक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है? एक लिस्ट है इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड, जिसके अंदर अगर आप एलिमेंट्स को डालते हो, अगर आपने एलिमेंट्स को डाला, ठीक है, तो भी आप कहाँ से डालोगे, आप उसको टॉप से डालोगे, और अगर आपने डिलीट किया, मतलब आपने एलिमेंट को निकाला, तो भी आप कहाँ से करोगे, टॉप से करोगे। फाइन, देखो, इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो स्टैक क्या है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? स्टैक हमारा लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में डाला है वही सबसे पहले निकल के आएगा, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे देखो, स्टैक ऑफ प्लेट्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आपने फर्स्ट प्लेट ली, देन सेकंड ली, देन थर्ड ली। अगर आपको क्या करना है, आप प्लेट्स को क्या करना है, दोबारा से उठाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे जो आपने सबसे लास्ट में ये जो वाली प्लेट डाली है, ओके, उसी को आप सबसे पहले पिक करोगे, देन सेकंड को पिक करोगे। तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट आपने इस प्लेट में, मतलब जो सबसे लास्ट प्लेट डाली है, उसी प्लेट को आप सबसे पहले बाहर निकालोगे, ओके, या फिर आप उसको सबसे पहले उठाओगे। तो ये क्या है, स्टैक है, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वही सबसे पहले आउट हो जाता है। ऐसे ही आपने देखो, स्टैक ऑफ बुक है ये हमारे पास, इसके अंदर क्या है, अगर आपने एक पाइल बना दिया 1 2 3 4 करके, आप बुक्स डालते गए, लेकिन अगर आपको बुक्स को क्या करना है, निकालना है, तो आप सबसे पहले कौन सी बुक पिक करोगे? आप सबसे पहले जो आपकी सबसे ऊपर है उसको पिक करोगे, देन उससे नीचे वाली पिक करोगे। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली बुक थी वो सबसे बाद में डाली गई है, और उसको सबसे पहले निकाल लिया जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा स्टैक है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। डैट इज़ द एलिमेंट विच वॉज इंसर्टेड लास्ट विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। तो ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट सबसे बाद में डाला गया है, सबसे बाद में डाला गया, तो सबसे ऊपर होगा वो एलिमेंट, ठीक है, वही सबसे पहले डिलीट होगा। ओके, अब देखो, यहाँ पे देखो, पाइल बना हुआ है बुक का, फाइन, और बुक का पाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश मतलब एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, एंड पॉप मतलब एलिमेंट्स उसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है? अभी मैं इसको बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे हमारा आ गया ऑपरेशंस ऑन स्टैक, कि आप स्टैक पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। टू फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द स्टैक आर पुश एंड पॉप। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस आप स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, पुश है एंड पॉप है, राइट? नाउ वी हैव पुश, द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश। तो जब आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को स्टैक में डालते हो, ओके, इंसर्शन मीन्स इंसर्ट करते हो एलिमेंट्स को, ओके, कहाँ पर, स्टैक के टॉप पर, तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पुश, राइट? अब यहाँ पे देखो, पहले आपने ए को पुश किया, देन आपने बी को पुश किया, देन सी को पुश किया, देन डी को, अब आप ई को पुश कर रहे हैं, फाइन, मतलब आप एज अ स्टैक उनको क्या कर रहे हो, एक जैसे यहाँ पे देखो, हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर को हमने स्टैक मान लिया, तो अब इसके अंदर जो आप एलिमेंट्स डाल रहे हो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पुश, फाइन। नाउ पॉप, द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। ओके, तो पॉप क्या है, जब आप स्टैक में से एलिमेंट्स को निकालते हो, उनको डिलीट करते हो, उनको रिमूव करते हो। यहाँ पे आपका ये ऑपरेशन देखो, यहाँ आपका जो एलिमेंट ई था, आपने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, पॉप, राइट? पुश करना क्या हो गया, स्टैक में एलिमेंट को डालना, और पॉप करना क्या हो गया, स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करना या स्टैक से एलिमेंट को निकालना। ओके, तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशंस। इसके अलावा भी और ऑपरेशंस होते हैं, लाइक देखो यहाँ पे, अदर स्टैक टर्म्स,
कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हम देखते हैं, पीक, राइट। पीक का क्या मतलब है? गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक, वैल्यू एट द टॉप। तो पीक जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है जो स्टैक की टॉप पर वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? पीक, राइट। तो यहाँ पे ई क्या हो गया? पीक। ओके, गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक, जो स्टैक में सबसे रिसेंट वैल्यू है, सबसे रिसेंट वैल्यू जो आपने सबसे रिसेंटली डाली है उसके अंदर इंसर्ट की है, ओके, उसके अंदर पुश की है, राइट, ओके, उस वैल्यू को एक्सेस करना क्या होता है? आपका पीक ऑपरेशन, राइट। नाउ अब हमारे पास एक टर्म है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो क्या है? अ सिचुएशन वेयर वी ट्राई टू पुश एन आइटम, try to insert an item in a stack that is full, okay? तो overflow क्या है कि आप मान लो आपका stack क्या है? bounded stack है, उसकी boundaries हैं, आपने define कर दिया कि इतने ही elements उसके अंदर आ सकते हैं, right? और उतने elements उसमें आप डाल चुके हो। अब उसके बाद अगर आप extra elements डालने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या show हो जाएगा? overflow। Why? A situation when we try to push an item in a stack that is full, क्योंकि हमारा stack क्या है? Full है, और फिर भी हम उसके अंदर और items डालने की कोशिश करते हैं, तो ये situation क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं overflow। Fine. Now we have underflow. A situation when we try to pop an item or try to delete an item from a stack that is empty. अब underflow देखो, आपके पास क्या है? Stack है, this is your stack, लेकिन ये क्या है? Empty stack है, फाइन। अब देखो जहाँ पे माइनस वन हो जाएगा वो आपका एम्प्टी स्टैक माना जाएगा, राइट। यहाँ पे अब टॉप क्या है? माइनस वन, फाइन। अब इस सिचुएशन में जहाँ पे स्टैक एम्प्टी है फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके अंदर से वैल्यू को पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे? अंडर फ्लो, राइट। वैल्यू नहीं है, एम्प्टी स्टैक है, इवन देन वी आर ट्राइंग टू पॉप एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो। ओके, ओवरफ्लो क्या हो गया? स्टैक आपका फुल है फिर भी आप वैल्यूज को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सिचुएशन आपकी हो गई ओवरफ्लो। एंड अंडरफ्लो क्या है? स्टैक आपका एम्प्टी है फिर भी आप क्या कोशिश कर रहे हो कि उसमें से आइटम डिलीट हो जाए, तो वो सिचुएशन आपकी क्या हो गई? अंडरफ्लो। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो हमने टर्म यूज की थी ओवरफ्लो, राइट, उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। द ओवरफ्लो सिचुएशन अकर्स व्हेन द साइज ऑफ द स्टैक इज फिक्स्ड, ठीक है। ओवरफ्लो कंडीशन कब आएगी? जब आपने अपने स्टैक का साइज फिक्स कर दिया है, तो वो उस स्टैक को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड स्टैक, एंड कैन नॉट ग्रो फर्दर, ठीक है, क्योंकि हमने साइज फिक्स कर दिया है। और देयर इज़ नो मेमोरी लेफ्ट टू अकोमोडेट न्यू आइटम्स, या फिर आपके सिस्टम में इतनी मेमोरी नहीं है कि आप और ज़्यादा आइटम्स अपने स्टैक के अंदर डाल सको। ओके, दो सिचुएशंस हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? इन पाइथन फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट, सिंस लिस्ट कैन ग्रो। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट हम कितनी भी लंबी बना सकते हैं, राइट, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, फाइन। तो हम यहाँ पे स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? स्टैक को हम लिस्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे स्टैक क्या है? स्टैक इज लाइक अ लिस्ट, राइट। तो ओवरफ्लो कंडीशन डजेंट अराइज अंटिल ऑल द मेमोरी इज एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे जो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है वो कभी भी नहीं आती जब तक कि आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती, फाइन। तो पाइथन में क्या है? ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती है, ओके। वेरी रेयर होगा कि अगर आपकी मेमोरी नहीं बची है, उस केस में आपका क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, फाइन। तो अब जो हमने किया है पुश पॉप एंड ऑल दिस ऑपरेशन, हम इसको क्या करते हैं? प्रैक्टिकली करते हैं, फाइन। ओके, तो लेट अस ओपन आर आइडियली। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ओके। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है? आप क्या करते हो? आपको डिफरेंट, आपको एक टाइप का मेन्यू दिया जाता है, ठीक है। मेन्यू मीन्स आपको चॉइसेस दी जाती हैं, और चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपने प्रोग्राम को रन कराते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक, ओके ओके। यहाँ पे हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं टू इम्प्लीमेंट स्टैक, फाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एम्प्टी स्टैक, फाइन। एक हमने एम्प्टी स्टैक बना दिया, राइट, ओके। एम्प्टी स्टैक कैसे बन गया? यहाँ पे देखो, ये एम्प्टी लिस्ट है, ओके। तो इससे हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब आप इसको एस ले लो या स्टैक ले लो, पूरा फुल ये वेरिएबल नेम है जिसको मैंने स्टैक एज अ स्टैक कंसीडर कर दिया है, ठीक है।
आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे कमेंट में लिख दो स्टैक, राइट, एम्प्टी स्टैक, नो स्टैक, ओनली एम्प्टी स्टैक लिख देते हैं, एम्प्टी स्टैक, राइट। ये आपका क्या बन गया, एम्प्टी स्टैक, ओके फाइन। अब देखो हम अभी हमारे पास एम्प्टी स्टैक है, तो स्टैक का टॉप क्या है, नन है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसको हमने नन से इनिशलाइज कर दिया टॉप को। अब क्या करते हैं, हम अपना लूप चलाते हैं वाइल ट्रू, राइट, जब तक कि आप क्या कर रहे हो, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तक आपका लूप चलेगा, राइट। और लूप के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपना मेन्यू यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट में दे देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया स्टैक, स्टैक ऑपरेशंस, राइट, स्टैक ऑपरेशंस, देन प्रिंट। फर्स्ट हम क्या देते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन हम कराएंगे इसके अंदर पुश, ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑपरेशन हम इसके अंदर दे देते हैं पॉप, ठीक है, पुश मींस आइटम्स को इंसर्ट कराएंगे, पॉप मींस आइटम्स को डिलीट कराएंगे, ओके, प्रिंट। थर्ड हम दे देते हैं पीक, पीक क्या होता है, आपका जो आपका स्टैक है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट ये क्या करेगा, एक्सेस करके आपको देगा, मतलब जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा उसको ये शो करेगा। नाउ प्रिंट। अब फोर्थ में हम दे देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टैक, ठीक है, हमारा स्टैक डिस्प्ले हो जाए, फाइन। एंड लास्ट आपने दे दिया प्रिंट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट, ओके, नाउ ये हमने दे दिया एग्जिट, एग्जिट मतलब प्रोग्राम अब आपका फिनिश हो गया, नाउ यू कैन लीव, ओके। अब देखो मैंने प्रिंट में क्या दिया, प्रॉम्प्ट में मेरा ये पूरा मेन्यू आ जाएगा, स्टैक ऑपरेशन, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, स्टैक एंड एग्जिट। अब मेरे को क्या करना है, मुझे अब यूज़र से एंटर कराना है, कौन सी चॉइस है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है या 5 है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यूज़र से एंटर कराऊँगी, और मैंने क्या किया, CH क्या लिया, वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर मैं यूज़र से एंटर करवा रही हूँ क्या उसकी चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करा देंगे, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, आप अपनी चॉइस एंटर करो, ठीक है, कि आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने इंट क्यों लगाया है, क्योंकि जो मैं चॉइस एंटर कराऊंगी वो किस में कराऊंगी, नंबर में कराऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें, ठीक है। नंबर 1 है तो पुश ऑपरेशन हो, नंबर 2 है तो पॉप हो, नंबर 3 हो तो पीक हो, इस टाइप से, ओके। अब देखो मैंने अब कर दिया, इफ मेरी चॉइस क्या है, मेरी चॉइस है 1, राइट, अगर मेरी चॉइस 1 है, राइट, तो मैं 1 चॉइस पे क्या है, मेरे को आइटम को पुश करना है, और आइटम को पुश करना है तो मैं क्या करूँगी, आइटम को एंटर कराऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आइटम इक्वल्स टू इंट, वो आइटम हम किससे लेंगे, हम यूज़र से लेंगे, यूज़र एंटर करेगा इनपुट, ओके, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंटर आइटम टू पुश, ठीक है, आपने आइटम जो भी डालना है वो आपने पुश करा दिया, फाइन, ओके। अब पुश कराने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉल किया पुश को, अभी देखो पुश फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पुश फंक्शन बना लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, फाइन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुश फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं, डेफ पुश, पुश फंक्शन बनाया, राइट। और देखो पुश फंक्शन में आप क्या करोगे, आप दो पैरामीटर्स पास करोगे, एक तो एम्प्टी स्टैक, ओके, और आइटम जो आप स्टैक के अंदर डालना चाहते हो, वो आइटम हम किससे ले रहे हैं, हम यूज़र से ले रहे हैं, फाइन, ये दोनों ले लिया हमने।
अब देखो यहाँ पे क्या है, हम जो स्टैक है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम एज अ स्टिक एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो जितने भी आइटम हैं वन बाय वन प्रीवियस आइटम के साथ जुड़ते चले जाएंगे, अपेंड होते चले जाएंगे, ठीक है। अपेंड आइटम, ओके। तो देखो ये वाला आइटम की वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन कॉल के थ्रू, वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और वो स्टैक में जाके जो आपका एम्प्टी स्टैक है उसमें जाके वो अपेंड हो जाएगी, राइट, ओके। अब देखो हमने ये दे दिया और अब कर देंगे टॉप। टॉप हमारा क्या होता है, टॉप हमारा होता है लेंथ ऑफ आपका स्टैक, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, ठीक है। देखो स्टैक जैसे स्टैक है आपका, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, रुको एक मिनट, ये जैसे आपका स्टैक है, दिस इज़ योर स्टैक, इसको मैं दिस इज़ योर स्टैक, फाइन। अब देखो इसके अंदर, ओहो ये क्या हो गया, हाँ इसके अंदर जो आइटम्स हैं, ये हमारा स्टैक है, मान लो ये हमारा स्टैक है, इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो उसके इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है उसकी इंडेक्स वैल्यू, राइट, ओके। तो अगर आप क्या करते हो, लेंथ ऑफ स्टैक, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टैक क्या है, 4 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4 है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है टॉप एलिमेंट कहाँ है, तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, तो 3 आएगा, 4 एलिमेंट्स हैं, ओके, उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपका टॉप एलिमेंट आ जाएगा, फाइन, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो आपका 3 इंडेक्स पर है, ओके, फाइन। नाउ कम बैक टू द प्रोग्राम, हाँ तो मैंने यहाँ पे स्टैक की क्या कर दिया, टॉप एलिमेंट कहाँ पर है मेरा, लेंथ ऑफ स्टैक, मान लो मेरा स्टैक में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 to 4, तो मेरा टॉप एलिमेंट कहाँ पे होगा, 4th इंडेक्स पर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, फाइन, ओके। अब मैंने क्या करा दिया, मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देती हूँ अपने स्टैक को, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये स्टैक हमारा बन गया है, ओके, प्रिंट करा दिया है। अब देखो अब हम नीचे अपने यहाँ पे चलते हैं मेन्यू पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से आइटम एंटर करा दिया, फाइन। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कॉल कर दूँगी पुश फंक्शन को, जो हमने ऊपर क्रिएट किया है पुश, उसमें हम पास कर देंगे एम्प्टी स्टैक, ओके, एंड आइटम की वैल्यू, फाइन। एम्प्टी स्टैक और आइटम की वैल्यू हमारी कहाँ चली जाएंगी, ऊपर देखो यहाँ पे आपकी एम्प्टी स्टैक चला जाएगा, और जो आप यूज़र से आइटम एंटर करा रहे हो वो यहाँ चला जाएगा, उसके बाद आपका स्टैक के अंदर वो आइटम्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने टॉप आइटम निकाल दिया है, टॉप आइटम मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं तो जो टॉप एलिमेंट का होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो वो 4th इंडेक्स पे होगा, फाइन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वन किया है, ओके। तो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट चॉइस अपनी बना ली है, ओके। अब देखो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हमारा पुश था, अब हम जाएंगे सेकंड चॉइस पर, फाइन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एलिफ, एलिफ अगर हमारी चॉइस क्या है, 2 है, फाइन। पहले हमने पुश के लिए कोडिंग कर ली है, अपना फंक्शन बना लिया है और फंक्शन को कॉल भी कर लिया है, ओके, लेकिन अगर हमारी चॉइस क्या है, 2 है, पॉप है, फाइन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, पॉप, और पॉप के अंदर फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो आप एम्प्टी स्टैक वहाँ पे सेंड करोगे, ठीक है, एम्प्टी स्टैक आप यहाँ पे सेंड करोगे। अब देखो अब पॉप फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन पॉप फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है, हम पॉप फंक्शन को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फंक्शन आपको क्या बनाना है, आपको फंक्शन बनाना है इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है। उसमें आप क्या डिफाइन करोगे कि आपका, देखो हम पॉप कर रहे हैं, हम पॉप करते टाइम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये भी तो देखना है क्या आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, आप पॉप तो कर रहे हो, अगर एम्प्टी होगा तो आप कैसे निकाल पाओगे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया इज एम्प्टी, और उसके अंदर अब आपने क्या किया, स्टैक को पास कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो पॉप फंक्शन से पहले हमने फंक्शन क्रिएट किया है इज एम्प्टी फंक्शन, जिसमें हम पता लगाएंगे कि हमारा क्या स्टैक
एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम इसमें लेते हैं इफ लेंथ ऑफ स्टैक, क्या जो स्टैक की लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो जीरो के इक्वल तो नहीं है, राइट। अगर वो जीरो के इक्वल है तो क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाए आपका ट्रू। ट्रू मतलब आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एज, और अगर नहीं है जीरो के इक्वल तो क्या रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न हो जाए फॉल्स। समझ आया, अगर आपका स्टैक में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो एलिमेंट्स है, मतलब नहीं है उसके अंदर एलिमेंट्स, तो रिटर्न हो जाए ट्रू। ट्रू का मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है। और अगर ट्रू रिजल्ट, और अगर ट्रू नहीं है मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो क्या रिटर्न हो जाए, फॉल्स हो जाए, राइट। इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे हमने पुश अपना क्रिएट किया था, राइट। अब पुश के बाद हम क्या करते हैं, पुश के बाद हम अपना बनाते हैं पॉप, राइट। डेफ, ठीक है। और मैंने नीचे अपना फंक्शन का नाम क्या लिया है, पॉप। ये नहीं है कि आपको पुश पॉप यही देने हैं, आपने आपने फंक्शन नेम जो लेना चाहो आप वो ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ये लिया है तो इसी नेम से मैं फंक्शन ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको कॉल कर दिया पॉप एस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी नेम से मैं ऊपर फंक्शन बनाऊंगी, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया पॉप, हमारा फंक्शन बन गया पॉप, और उसमें हमारा आ गया एम्प्टी स्टैक, ठीक है। एम्प्टी स्टैक की वैल्यू हमने फंक्शन कॉल से पास की है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने ऊपर इज एम्प्टी फंक्शन बनाया था उसका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इफ इज एम्प्टी, एम्प्टी स्टैक, ठीक है। एस हमारा क्या है, स्टैक है, ठीक है। अगर क्या है, आपका स्टैक एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे दे देंगे प्रिंट हो जाए, प्रिंट क्या हो जाए, स्टेटमेंट स्टैक इज एम्प्टी, ओके, स्टैक इज एम्प्टी, ओके, प्रिंट करवा दिया हमने। एस, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से आइटम को पॉप कराएंगे, डिलीट कराएंगे, बाहर निकलवाएंगे, ठीक है। तो हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट, एलिमेंट इज राइट एस डॉट पी ओ पी, पॉप फंक्शन का आप यूज करोगे। और पॉप फंक्शन क्या करेगा, हमेशा ही आपका कौन सा आइटम डिलीट करेगा, टॉप वाला आइटम डिलीट करेगा, जो लिस्ट के टॉप में होगा। लीफो है ना ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होगा वो आपका डिलीट होके आ जाएगा, फाइन। तो हमने चॉइस टू भी कर ली है यहाँ पे, ठीक है, चॉइस टू आपने कर ली। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, चॉइस थ्री की तरफ जाते हैं। चॉइस थ्री हमारी क्या है, चॉइस थ्री हमारी पीक, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, एलिफ एलिफ, अगर हमारी चॉइस क्या है, थ्री है, ओके, हम क्या करना चाहते हैं, पीक ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम किसको कॉल कर लेते हैं, अपना एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर, पीक फंक्शन, यहाँ से हम उसको पहले यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, उसमें एम्प्टी स्टैक पास कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने पीक एक फंक्शन है उसको कॉल किया, लेकिन अभी उसको ऊपर बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर बनाते हैं पीक फंक्शन को, ठीक है। तो पीक फंक्शन को हम ऊपर बनाते हैं, तभी तो ये कॉल होगा। तो पॉप के बाद मैंने यहाँ पे डेफ, थोड़ा सा इसको पकड़ लेते हैं, हाँ, डेफ पीक, पीक फंक्शन, और इसमें हमारा क्या पास, नीचे से हमने क्या पास किया था, एम्प्टी स्टैक, राइट, उसकी वैल्यू इसके अंदर है, ओके। अब पीक में भी अगेन हमने क्या किया है, एम्प्टी फंक्शन बना रखा है इज एम्प्टी, तो टॉप एलिमेंट तो तभी दिखाएगा ना अगर वो एम्प्टी नहीं है। तो हम फिर से पूछ लेते हैं इससे, अगर इफ एम्प्टी स्टैक, अगर देखो आपका क्या है, एम्प्टी है, ओके, अगर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए स्टैक इज एम्प्टी,
फाइन। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है फाइन, तो क्या हो जाए, आपके पास टॉप एलिमेंट आ जाए। तो टॉप एलिमेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन। ये इससे आपका क्या निकलता है, आपका टॉप एलिमेंट निकलता है। मैंने अभी आपको बताया, मान लो आपके पास फाइव एलिमेंट्स हैं तो लेंथ क्या होगी, फाइव। लेकिन जो टॉप एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा, वो फोर्थ इंडेक्स पे होगा। तो आप वो कैसे निकलेगा, जब हम लेंथ में से वन माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैक कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, इंडेक्स उसके अंदर कैसे वैल्यूज होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू थ्री फोर, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉप एलिमेंट ऐसे निकलेगा, फाइन। उसके बाद सिंपल हमें क्या कराना है, अपने टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराना है, एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक इज, ठीक है, एस टॉप, स्टैक का टॉप। सिंपली आपने इसको क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया पी के अंदर, ठीक है। एलिमेंट आपका क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा, फाइन। तो हमने अपनी थर्ड चॉइस की भी क्या कर ली है, यहाँ पे उसका फंक्शन क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी फोर्थ चॉइस के पास, फाइन। फोर्थ चॉइस हमारी क्या है, फोर्थ चॉइस है हमारी डिस्प्ले स्टैक, डिस्प्ले स्टैक है। फिर हम लेडर का यूज़ करेंगे, एलिफ लेडर का, एलिफ सी एच इक्वल्स टू फोर। अगर हमारी चॉइस क्या है, फोर्थ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेते हैं, मतलब कॉल कर लेते हैं, फंक्शन अभी ऊपर बनाएंगे, डिस्प्ले एस। इससे हम ना यहाँ पे एम्प्टी स्टैक को पास कर दिया। देखो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऊपर उसको बना लेते हैं, अभी हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हम देखो डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ डिस्प्ले, और हमारा इसमें आ गया एम्प्टी स्टैक, फाइन, ओके। इफ, अब इसमें भी पूछ लेते हैं, डिस्प्ले करने से पहले क्या एम्प्टी तो नहीं है, इज एम्प्टी। देखो एक बार हमने एम्प्टी फंक्शन क्रिएट किया है, इज एम्प्टी फंक्शन, और वो बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है ना, स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए आपका स्टैक इज एम्प्टी, ओके। एल्स, और अगर नहीं है, फाइन, तो क्या आ जाए, हमें क्या कराना है, अब हमें अपने स्टैक को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो क्या है, स्टैक में देखो क्या है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये मेरी स्लाइड है, करंट स्लाइड, ओके। मैं इसको समझाती हूँ आपको कैसे है। यहाँ पे देखो, ये मान लो मेरा स्टैक है, दिस इज़ माई स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स मैंने कैसे डाले, पहले 10 को डाला, फिर 20 को डाला, फिर 30 को डाला, फिर 40 को डाला, ऐसे डाले हैं, राइट। लेकिन जब स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है, तो स्टैक में पहले 40 बाहर आएगा, पहले आपका 40 बाहर आएगा, देन आपका 30 बाहर आएगा, ठीक है। पहले आपका 40 बाहर आएगा, ठीक है, फिर आपका 30 आएगा, देन आपका 20 आएगा, ओके, देन आपका 10 आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ जैसी लिस्ट, जैसे आपने एलिमेंट डाले हैं, उसके रिवर्स ऑर्डर में आपका स्टैक आएगा, फाइन। अब देखो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया, टॉप, टॉप हमारा निकल के आ जाएगा, टॉप हमारा क्या है, 3, ठीक है। लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस 1, तो हमारा ये निकल के आ गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब हमने लूप लगाया यहाँ पे, वाइल टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक कि टॉप क्या रहता है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा रहता है, तब तक हमारा लूप चलेगा। तो प्रिंट में हमने क्या कर दिया है, एस टॉप, ठीक है, प्रिंट करा देंगे हम टॉप की वैल्यू। तो पहले हमारी 40 आ जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है, देन हमने टॉप माइनस इक्वल्स टू 1, तो टॉप माइनस इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, ठीक है। पहले हमारी टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 3, तो हमारा 40 आ गया। फिर हमारी 1 माइनस हो जाएगा, तो आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ओके, तो आपका सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। फिर माइनस हो जाएगी, फिर आपका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगी, तो आपका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं, मेरा यहाँ पर भी वर्क नहीं कर रहा है,
आई होप कि आपको समझ आ गया। आपके देखो आपने इंसर्ट ऐसे की थी पहले 10, 20, 30, 40, लेकिन आपका स्टैक कैसे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा, 40, 30, पहले 40 निकलेगा 40 आ गया, फिर 30 निकलेगा 30 आ गया, देन 20 तो 20 एंड देन 10 तो 10, ठीक है, ऐसे आपका डिस्प्ले करेगा। ओके ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, टॉप पहले आप अपना टॉप निकाल लो। टॉप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर लिया, वाइल लूप में हमने लगा लिया वाइल टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जब तक कि आपका टॉप किसके इक्वल नहीं हो जाता, जीरो इंडेक्स के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आप प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे एस टॉप, टॉप को मैंने प्रिंट करा दिया, ओके राइट। एंड हमने एक पैरामीटर दे दिया एंड, जिससे हम क्या कर सकें, हम स्पेस दे सकें स्टैक एलिमेंट्स के बीच में, ओके ओके। एंड देन हमने टॉप को कर दिया टॉप इक्वल टू टॉप माइनस वन, सिंपल करके दिखा दिया मैंने, ओके टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन। इसके बाद मैंने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए, प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए दिया कि आपका जो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है और जो आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट है इसके बीच में एक लाइन का गैप आ जाए, ठीक है ओके, जब फंक्शन कॉल होगा, फाइन। तो यहाँ पे हमने अपना डिस्प्ले फंक्शन भी कर लिया है, ओके अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चॉइस के ऊपर। हम फोर्थ चॉइस कर चुके हैं, अब अगर क्या है आपकी चॉइस, क्या है आपकी चॉइस, है एलिफ एलिफ सी एच आपका क्या है इक्वल्स टू फाइव। अगर आपने क्या किया है सी एच की वैल्यू दे दी है फाइव, फाइव में हमने क्या दिया एग्जिट, तो आप सिंपली क्या करो प्रिंट कर दो यहाँ पे एग्जिट प्रोग्राम, फाइन। और हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, क्या होगा आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा आपके प्रोग्राम से। एल्स और अगर आपकी चॉइस ये नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो स्टेटमेंट दे सकते हो प्रिंट इनवैलिड चॉइस, ठीक है आपने दे दिया स्टेटमेंट इनवैलिड चॉइस, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना है, कंट्रोल एस, फाइन। और जैसे मैं इसका नाम रख देती हूँ स्टैक वन, राइट इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ वी विल रन आवर प्रोग्राम, ठीक है आपका आ गया है। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, हम पुश करेंगे अपने स्टैक में एलिमेंट्स को। मैंने वन किया पुश एलिमेंट, 10 ले लिया यहाँ पे, ओके देखो मैंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है तो इसमें 10 आ गया फर्स्ट चॉइस, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले कराया हुआ है स्टैक को। एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे जो मेरा पुश वाला है उसमें मैंने इसको प्रिंट करवाया हुआ है, तो जितने एलिमेंट्स डालते जाओगे तो वो स्टैक को शो भी करता जाएगा, फाइन। तो हाँ यहाँ पे मैंने फिर से वन किया और एलिमेंट कर दिया 10 के बाद 20, ठीक है अब मेरे पास दो एलिमेंट्स का स्टैक बन गया 10, 20 का। मैं फिर से वन करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ डाल देती हूँ 30। देखो अब तीन एलिमेंट्स का स्टैक बन गया 30 का, राइट एक बार फिर हम लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 40, तो मेरा 40 का बन गया, 5 तक बना लेते हैं, चलो ठीक है सॉरी चॉइस होगी मेरी 1 और यहाँ पे एलिमेंट मैंने डाल दिया 50, ठीक है। अब देखो मैंने 10, 20, 30, 40, 50 तक डाल दिया, मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है 50 है, तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन करती हूँ राइट जो, तो मेरा क्या होगा 50 क्या होगा डिलीट होगा, फाइन। तो अब हम पॉप ऑपरेशन करते हैं, मैंने यहाँ पे डाला 2, ठीक है अब मुझसे पूछ रहा है कि देखो डिलीटेड एलिमेंट इज 50 डिलीट हो गया राइट, क्योंकि 50 क्या था हमारा सबसे ऊपर वाला डेटा था, क्योंकि ये हमारा स्टैक था 10 डाला फिर 20 देन 30 देन 40, 50 हमने सबसे लास्ट में डाला था, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया ना लीफो राइट। तो हमने पीक पुश एंड पॉप कर दिया है, अब हमारा पीक रहता है। अब देखो पीक पे कौन सा होगा, 40 होगा हमारा टॉप पर, तो हमारा 40 निकल के आएगा क्योंकि 50 तो हमने डिलीट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज 40,
राइट, 40 अब बचा था हमारे पास, 40 आ गया, तो पुश पॉप एंड पीक कर लिया। अब मैं करना चाहती हूँ डिस्प्ले स्टैक, अपने स्टैक को डिस्प्ले, फोर्थ कर दिया, राइट। अब देखो मेरा स्टैक कैसे डिस्प्ले हुआ है, 40, 30, 20 एंड देन 10, राइट, दिस इज माई स्टैक, ये आपका स्टैक डिस्प्ले हो गया। इन द एंड हमने क्या करना है, 5 एग्जिट करना है, प्रेस, तो आपका आ गया एग्जिट प्रोग्राम। ओके, सो हियर वी हैव डन ऑल द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन स्टैक। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।